नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में चुनाव में ईवीएम पर हुए बड़े खुलासे की, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर दर्ज हुई याचिका की, देखेंगे लोकसभा स्पीकर के लिए टीडीपी की शर्तों को, एनडीए गठबंधन के नेताओं में आपस में छिड़ी जुबानी जंग को, जानेंगे नीट पर आए विपक्ष के बयानों को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे सोशल मीडिया से क्यों घबराई है मोदी सरकार। लेकिन दिन भर तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनसीईआरटी की किताबों में हुए बड़े बदलाव, बाबरी मस्जिद से लेकर गुजरात के सांप्रदायिक टकराव वाले चैप्टर में हुआ बदलाव। एनसीईआरटी निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा, स्कूलों में हिंसा के पाठ जरूरी नहीं। इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया बताने पर अब केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने दी सफाई, मैंने ये बात अपने दिल से कही, मीडिया ने गलत तरीके से किया पेश। राजकोट के गेमिंग जोन मामले में नगर निगम के दो कर्मचारी गिरफ्तार, दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप, गेमिंग जोन हादसे में 30 लोगों की गई थी जान। और शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला, नीतीश नायडू को अलर्ट करते हुए कहा, मोदी शाह जिसका नमक खाते हैं उसी को खत्म कर देते हैं। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के शुरुआत से ही विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा था, इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव ईवीएम से ही कराए गए। अब एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा चर्चा में है। ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष की तरफ से लगातार ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों के बीच अब एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम में धांधली की खबर सामने आई है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इनकी स्क्रूटनी करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। बता दें कि राहुल की ये ट्वीट मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर चुनाव नतीजों को लेकर मिडडे में हुए खुलासे के बाद आई है। मिडडे की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से ईवीएम हैक की गई थी। वनराई पुलिस को अभी तक की जांच में रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडलकर के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। मंगेश पांडलकर पर आरोप है कि मंगेश का फोन ईवीएम से जुड़ा था, उसी ने ईवीएम में गड़बड़ी की, जिसके बाद मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से वायकर को 48 वोटों से जीत मिली। पुलिस ने कहा है कि फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था। इस टेक्निक का इस्तेमाल 4 जून को नेस्को सेंटर के अंदर किया गया था। इस मामले में रविंद्र वायकर के साले पर FIR दर्ज कर ली गई है। तो वहीं कांग्रेस और सपा ने मामले में चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग की है। विपक्ष ईवीएम पर सवाल कर रहा है तो चुनाव आयोग की तरफ से मीडिया पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। आयोग ने उस मीडिया हाउस को नोटिस भी भेज दिया है जिसने इस खबर को प्रकाशित किया था, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी का मामला शांत होते हुए अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मामला एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर हलचल तेज है, एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में चुनाव नतीजों में हेरफेर का दावा करते हुए याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने याचिका दाखिल करते हुए चुनाव परिणामों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ईवीएम में सबसे बड़ी गड़बड़ी का सबूत ये है कि अकेले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर ईवीएम में डाली गई वोटों और गिनी गई वोटों के बीच 48 लाख वोट का अंतर है। ऐसा ही अंतर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में है। नरेंद्र मिश्रा ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि मोदी जी चिंता ना करें, ईवीएम बिल्कुल जिंदा है और पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले आएंगे। तो वहीं एडवोकेट महमूद प्राचा ने अभियान शुरू कर दिया है। प्राचा ने चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों को लेकर पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है। मामले में जानकारी देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी करते हुए लिखा कि मैंने आम चुनाव 2024 के दौरान किए गए अपराधों के लिए चुनाव आयोग के पदाधिकारियों और बीजेपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक नागरिक के रूप में मैंने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कदम उठाए हैं। इंडिया यानी भारत को बचाने और मजबूत करने के लिए हम सबको मिलकर संघर्ष करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को अपने इस अभियान से जुड़ने के लिए शिकायत दर्ज करने की लिंक भी साझा की है। चुनाव से पहले भी ईवीएम को लेकर काफी विवाद सामने आए थे और अब चुनाव परिणामों पर भी सवाल उठने लगे हैं।
ऐसे में मोदी सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है। सरकार का अस्तित्व ही खतरे में दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। लोकसभा चुनावों के बाद जहां एक बार फिर ईवीएम के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर एनडीए में फूट की खबर अब सामने आ रही है। बता दें कि 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। इस बीच टीडीपी ने एनडीए के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिससे पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भले ही सहयोगी दलों की मदद से एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन विपक्ष द्वारा कही जा रही बैसाखी सरकार कब तक चलेगी, ये तय 26 जून को ही हो जाएगा। दरअसल एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो जाएगा। ये सत्र 8 दिनों तक चलेगा और इस सत्र के तीसरे दिन 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की जेडीयू ने तो साफ कर दिया कि बीजेपी जो फैसला करेगी पार्टी उसका समर्थन करेगी, लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की तरफ से ऐसा बयान सामने आया है जो बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। दरअसल टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभी राम कोमा रेड्डी ने कहा कि सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार को ही स्पीकर पद मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर एनडीए के सहयोगी एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और टीडीपी सहित सभी सहयोगी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। अब टीडीपी के तेवरों से ये साफ हो गया है कि बाकी बड़े मंत्रालयों के साथ बीजेपी लोकसभा स्पीकर के पद पर भी अगर अपना उम्मीदवार उतारती है तो टीडीपी उनका समर्थन नहीं करेगी और इस पद पर अपने उम्मीदवार को उतारना चाहती है। और इस बीच लगातार इस चुनाव से पहले विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि एनडीए के सहयोगियों के पास लोकसभा अध्यक्ष का पद होना चाहिए और अगर स्पीकर पद के लिए एनडीए के सहयोगियों से कोई उम्मीदवार उतारा जाता है तो विपक्ष उनका समर्थन करेगा। एक तरफ टीडीपी की शर्त ने मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है तो दूसरी तरफ यूपी में आए चुनावी परिणामों ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। तो वहीं अब एनडीए के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं तो विपक्ष लगातार मजबूत होता जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोरदार झटका लगा। चुनाव परिणाम तो पूरी तरह से उसके पक्ष में नहीं आए, लेकिन अब पार्टी नेताओं में गठबंधन के सहयोगी दलों में भी फूट के आसार नजर आ रहे हैं। सब एक दूसरे को हार का कारण बता रहे हैं। इसी कड़ी में एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं में ही घमासान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभा सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने हार के लिए पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया। अब उनके बयान पर बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर को बयान देने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। अनिल राजभर ने कहा कि ओपी राजभर को बीजेपी के सारे वोट मिले हैं, लेकिन उन्हें इस बात को लेकर चिंतन करना चाहिए कि राजभर समाज के लोगों ने उनसे दूरी क्यों बना ली है। बता दें कि ओपी राजभर ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, हमने गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन गठबंधन के दूसरे नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सीएम योगी और पीएम मोदी को नकार दिया है। दोनों नेताओं में छिड़ी जुबानी जंग ने एनडीए गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे कई मोर्चे पर एनडीए के सहयोगी दलों में टकराव नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि कब तक चल पाएगी सहयोगियों के सहारे बीजेपी की सरकार। एक तरफ जुमानी जंग एनडीए गठबंधन के नेताओं में छिड़ गई है तो दूसरी तरफ नीट के मामले में लगातार राजनीतिक बयानबाजी अब शुरू हो गई है। विपक्ष ने पेपर लीक होने पर सवाल उठाए हैं तो शिक्षा मंत्री ने भी कबूल किया है कि कमियां हैं। तो कैसे नीट पर घिरी सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नीट परीक्षा के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का भ्रष्टाचार दिखाया गया है मैं उससे हैरान हूं। जब भी वर्तमान सरकार के तहत ऐसा कुछ भी होता है तो वह पिछले यूपीए सरकार को दोष देना शुरू कर देते हैं। नीट विनियमन 2010 में पेश किया गया था, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन था, शिक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं। इसी के साथ कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मुद्दा नीट
परीक्षा का नहीं है। मुझे लगता है कि मुद्दा उस तरह का भ्रष्टाचार का है जो हो रहा है। हमने उत्तर प्रदेश में ऐसा होते देखा है, जिस तरह का पेपर लीक हुआ यूपी में, वैसा हम पूरे देश में होते हुए अब देख रहे हैं। यदि किसी परीक्षा में परीक्षण प्रणाली भ्रष्ट हो जाती है तो प्रधानमंत्री के लिए चुप रहना वास्तव में अच्छा नहीं है। इसी के साथ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी एनटीए पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले दशक में एनसीईआरटी का प्रोफेशनलिज्म खत्म हुआ। मैं 2014 और 2019 के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसद की स्थायी समिति का सदस्य था। मैं उस समय नीट के लिए मिलने वाले व्यापक समर्थन को याद करता हूँ, लेकिन ऐसे सांसद भी थे, विशेष रूप से तमिलनाडु से, जिन्होंने चिंता जताई थी कि नीट से सीबीएसई के छात्रों को लाभ मिलेगा और दूसरे बोर्ड और स्कूल से आने वाले स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे अब लगता है कि सीबीएसई के इस मुद्दे पर उचित विश्लेषण की जरूरत है। क्या नीट भेदभाव से भरा है? क्या गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों को अवसर से वंचित किया जा रहा है? महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने भी नीट को लेकर गहरा संदेह जताया है। वहीं इस मामले में खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके गुनहगारों को सजा देने की बात कहते हुए कबूला है कि एनटीए में सुधार की सख्त जरूरत है। नीट के मुद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरे हुए है, तो वहीं आज आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। इसमें देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता को उजागर किया गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की ओर से साझा की गई असमानता रिपोर्ट पर आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक्स पर ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा है। लालू ने एक्स पर लिखा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की ओर से साझा की गई रिसर्च में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए डरावने आंकड़े सामने आए हैं। ये रिसर्च देश में बढ़ती सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को उजागर करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास केवल 9.0% और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास मात्र 2.6% है। 2013 में ओबीसी का देश की संपत्ति में 13.3% हिस्सा था, जो 2022 में घटकर 9% ही रह गया है। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय लगातार घटते जा रहे हैं। कृषि घाटे का सौदा होता जा रहा है। किसान सरकार की गलत नीतियों के चलते बर्बाद हो रहे हैं। लालू ने कहा कि देश में ओबीसी एससी एसटी की आबादी लगभग 85% है। यही कारण है कि बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि इससे हर क्षेत्र में कुंडली मारे बैठे संपन्न लोगों का प्रभुत्व उजागर हो जाएगा। रिसर्च बताती है कि देश की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा, लगभग 89% हिस्सा, आबादी में सबसे कम वाले वर्गों के पास है, तथा देश की सबसे अधिक आबादी वाले 85% ओबीसी एससी एसटी के पास बाकी बचा हिस्सा है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में सामाजिक आर्थिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी हैं। मोदी सरकार लगातार 10 वर्षों से ओबीसी एससी और एसटी वर्ग के छोटे व्यवसायों को भी टारगेट कर खत्म कर रही है। जब तक ओबीसी एससी एसटी और उच्च जाति के गरीब लोग बीजेपी की भक्ति, धर्मांधता, नफरत बोने वाले दंगाइयों को अपना नेता मानेंगे तो ये आंकड़े और भी बदतर होते जाएंगे। विगत 10 वर्षों में इन्होंने आपको, यानी ओबीसी एससी एसटी को धर्म और छद्म राष्ट्र के बनावटी मुद्दों व बहसों में उलझाकर अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सत्ता को और अधिक सुदृढ़ एवं सुनिश्चित किया है। ये लोग धूर्तता के साथ ओबीसी एससी एसटी को सांकेतिक और दिखावटी प्रतिनिधित्व देकर इतिश्री कर देते हैं, ताकि देश की ये बहुसंख्यक आबादी अपने अधिकारों की वाजिब मांग न कर सके। और बुलेटिन के आखिर में मीडिया पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की। मोदी सरकार अब सोशल मीडिया पर नियंत्रण लगाने के लिए एक बिल लेकर आने वाली है। संसद के अगले सत्र में डिजिटल इंडिया बिल लाया जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर भी सरकार का अघोषित नियंत्रण हो जाएगा। तो क्या है इस बिल में, जिसने विपक्ष की बढ़ा दी है चिंता, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद का विशेष सत्र शुरू होने को है, वहीं अगले महीने से मानसून सत्र का भी आगाज हो जाएगा। मानसून सत्र में मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने की तैयारी में है। एक तो पहले ही मीडिया में सरकार के घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं, और अब इसमें बची कुची कसर पूरी करने मोदी सरकार डीप फेक के सहित यूट्यूब और डिजिटल मीडिया चैनलों पर लगाम कसने के लिए नया बिल पेश करने वाली है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया। भाजपा ने मीडिया को खरीद रखा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक सभी प्रकार का मीडिया भाजपा के कब्जे में है और उसके अनुसार ही काम करता है। जनता के मुद्दे, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी मीडिया में चर्चा में नहीं आते, और ये सभी बिकाऊ मीडिया वाले भाजपा का गुणगान और विपक्ष को बदनाम करते हैं।
इस दौर में सिर्फ यूट्यूब के जरिए चैनल बनाकर जनता के मुद्दे उठाने वाले स्वतंत्र पत्रकार इन्फ्लुएंसर्स ने भी जनता के मुद्दे पर भाजपा सरकार की नाक में दम किया हुआ है, जिससे भाजपा सरकार घबराई हुई है, क्योंकि भाजपा जनता को लूटकर उद्योगपतियों का हित करती है और स्वतंत्र मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स भाजपा और बिकाऊ मीडिया का भंडाफोड़ करते हैं। अब भाजपा ने फिर से जबरन जनादेश का अपमान करके सरकार बना ली है और सोशल मीडिया यूट्यूब पर लगाम लगाकर जनता और जनहित की आवाज़ और विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। सबको मिलकर भाजपा की इस नीति और कुचक्र का विरोध करना होगा, अन्यथा भाजपाई तानाशाही देश को बर्बाद कर देगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।